हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय विमलेश प्रिया चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपनी लाइफ में। तो मॉर्निंग के अभी बजे 6:30 और मैं नहा चुकी हूँ। नहाकर मेरी पूजा हो चुकी है, आप लोगों की मेरी माता रानी की पूजा हो चुकी है। और तो खाने में यहाँ पे लाइट कम है क्योंकि मैंने लाइट बंद कर रखी है। लाइट जलाती हूँ, खिड़की खोल लेती हूँ तो मुझे ठीक ठाक रोशनी तो होती है, लेकिन वीडियो के लिए रोशनी कम पड़ जाती है। तो ये देखिए, चाय बन गई है, सब्जी बन चुकी है मेरी पतीली में, और पराठे के लिए आटा लगा लिया है, रोटी और पराठे के लिए। और बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए, प्रेस कर दिए और अभी प्रेस यहीं पर रखा है। और अभी अभी बच्चे उठ के गए हैं बाथरूम नहाने धोने के लिए, तो चित्र वगैरह मैं बेड में डालूंगी। और आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्चों का स्कूल अब जल्दी लगेगा, 7:30 का स्कूल हो चुका है बच्चों का, तो इसलिए 7:30 घर से निकलेंगे। 8:00 का स्कूल होगा, 8:00 का स्कूल है तो 7:30 घर से निकलेंगे। तो मैं तो 5:00 वैसे भी उठती हूँ, तो 5:00 अभी भी उठती हूँ, अब थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ अपने लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, काम कर लेते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ, चाय पीने बैठ गई। और मेरा बेटा बस नहा कर आ गया है और उसको रेडी करूँगी मैं। और ये वीडियो जो है मंडे का है और ये मंडे को ही मैं पोस्ट करूँगी, सुबह की वीडियो है तो सुबह ही पोस्ट कर दूँगी इसको। और ये मेरे बेटे के ना पैर में गुलाब का कांटा चुभ गया था, तो वो कहता मम्मी मुझे सांप ने लगता है काट लिया और उसका दांत जो है चुभ गया है। तो मैंने कहा दिखाओ मुझे, तो दिखाया तो मैं कहा गुलाब का कांटा लाओ मैं निकाल देती, तो वो डर रहा था बहुत, उससे दर्द हो रहा था। कही ये कल शाम को ही चुभा था, इसने मुझे बताया नहीं, तो इसको दर्द हो रहा था, निकालने नहीं दिया था, फिर भी मैंने इसको निकाल दिया। और ये छोटा सा कांटा था, लेकिन गुलाब का कांटा बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चुभ जाता है, तो निकाल दिया। और उसके बाद अपनी चाय फिनिश करूँगी। मेरा बेटा तब तक अपना पहनेगा, उसे जो पहन पाए, वो कपड़े पहन तो लेता है लेकिन ठीक से नहीं पहन पाता है, अच्छे से कपड़े नहीं पहन पाता है, तो इसलिए मैं ही उसको रेडी करती हूँ फटाफट से। वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है इसीलिए, तो उसको फटाफट मैं कपड़े पहना दूँगी। तो चलिए पहना देती हूँ कपड़े। और आप लोग फुल वॉच के साथ वीडियो को एंजॉय करना, और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, तो आप लोग लाइक में कंजूसी मत करना, लाइक दे देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। तो बेटे को ड्रेस पहना दिया, बस उसके फेस पे लोशन लगा दूँगी और हाथ पैर में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, क्योंकि रूखा रूखा सा हो जाता है बच्चों के पैर हाथ जो है, अभी रूखे हो जाते हैं, हवा चलती है बाहर ना, गर्म हवा चलती है तो रूखा हो जाता है बिल्कुल, तो इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा सा लोशन लगा दूँगी ताकि हाथ पैर फटे ना इनके। और बालों पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के कॉम वगैरह कर दूँगी इसके, सारा कुछ सॉक्स वगैरह पहना दिए, बस जूते पहनाने रह गए तो जूते भी पहना दूँगी फटाफट से, बस उसको रेडी कर दिया। और उसके बाद मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। और बेटी अभी मेरी नहा रही है, अभी तक वो नहा कर आई नहीं है, तो वो तो खुद ही रेडी हो जाती है, सिर्फ मुझे उसकी जो है बाल बनाना पड़ता है, तो बाल वो नहीं बना पाती है, तो बाल बना दूँगी उसके। और तब तक मैं टिफ़िन पैक करूँगी जब तक वो आएगी,
तो ये देखिए रेडी हो चुका है ये। और ये बेटा मेरा ना ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगवाता है, कहता है नहीं लगाना नहीं लगाना, लेकिन मैं फिर भी हल्का हल्का सा लगा देती हूँ ऑयल। और मेरा बेटा हाथ में थोड़ा सा जल गया था प्रेस से, तो मैंने प्रेस किया था उसको, मैं कहा ठंडा हो जाएगा तब रखूँगी, लेकिन वो आया पता नहीं कहाँ से उसने प्रेस को हाथ लगा दिया था, तो उसके बाजू में जल गया था, थोड़ा सा टच हो गया था तो जल गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ अपने बच्चों का, और पराठे वगैरह मैंने बना लिया है। तो ये देखिए आ गई हूँ टिफ़िन पैक करने के लिए, रोटियाँ ठंडी हो रखी है तो पैक कर दूँगी। तो ये देखिए दो दो रोटियाँ, छोटी छोटी सी रोटियाँ दो पैक करती हूँ। और मैं कागज़ ये है ना, बच्चों के कॉपियाँ जो है खाली बच जाती है, नहीं लिखा जिस पर लिखा नहीं होता तो उसमें मैं रख देती हूँ, बच्चों की रोटियाँ पैक करने के लिए रख लेती हूँ और जो है तो इसे पैक कर दूँगा। टिफ़िन मेरा बच्चों का जो है स्टील का है, अंदर से स्टील है और बाहर से प्लास्टिक है, तो मैं स्टील का ही टिफ़िन इस्तेमाल करती हूँ। और बच्चों को आजकल स्टील का टिफ़िन ना पसंद नहीं होता, इसलिए इस तरीके का टिफ़िन मैं ले आती हूँ जो बाहर से जो है अच्छा भी लगता है देखने में और अंदर से जो है स्टील होता है, तो बच्चों को पसंद आते हैं ऐसे टिफ़िन। और तो चलिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ दोनों के। तो और फिर उसके बाद आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। और जो है अगर आप लोग ब्लॉग पसंद आया हो आज का जो है मॉर्निंग रूटीन मेरा बच्चों के साथ, तो आप लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर जो भी न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।